नेपाल में देर रात आए भूकंप में 70 लोगों की मौत, 6.4 की तीव्रता का भूकंप दिल्ली, यूपी और बिहार तक महसूस किया गया। नेपाल के रुकुम वेस्ट में 36 लोगों की हुई मौत, जबकि जाजरा कोट में 34 लोगों के मारे जाने की खबर। जमीन की सतह से करीब 10 किलोमीटर नीचे उठी थी भूकंप के तिरंगे। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में भी भूकंप के तेज झटके, घरों से बाहर निकले लोग देर रात तक बाहर घूमते रहे। लखनऊ में भूकंप के मचाई दहशत, देर रात घरों से बाहर निकले लोग। पटना में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, खौफ की वजह से लोग परिवार समेत घर से बाहर निकले। इसराइल हमास जंग का आज 29वां दिन, दोनों तरफ के अब तक 10,700 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इसराइली हमले में अब तक 9,200 लोगों की मौत, जबकि वेस्ट बैंक में 140 फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइल हमास जंग के बीच पीएम मोदी ने इंग्लैंड के पीएम ऋषि सुनक से बातचीत की। दोनों ने बेकसूर लोगों की जिंदगी की सुरक्षा पर जाहिर की चिंता। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत की, कहा भारत आतंकवाद और आम लोगों की मौत को लेकर है चिंतित। पीएम मोदी ने स्थायी शांति और सुरक्षा की बात की, कहा हम सुरक्षा और मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर सहमत हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सीज फायर की किसी भी संभावना से किया इनकार, कहा जब तक हमास बंदकों को रिहा नहीं करेगा इजरायली सेना हमले जारी रखेगी। गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों का लगातार भीतर घुसना जारी, इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। इजरायली टैंक्स और सैनिक रास्ते में पड़ने वाले हमास के ठिकानों को कर रहे हैं तबाह, एयरफोर्स का हवाई हमला भी जारी। इजरायली सेना ने गाजा शहर को घेरा, गाजा के आसमान में दिखे अमेरिकी ड्रोन, इजरायल की ग्राउंड फोर्स ने 130 हमास आतंकी ढेर किए। इसराइल सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन में की रेड, सड़कों पर नजर आई इसराइली सेना की गाड़ियां। जेनिन में रेड के दौरान इसराइली सेना ने की फायरिंग, हमास के आतंकियों ने भी गाड़ियों पर फेंके बम। इसराइली सेना की रेड में 7 फिलिस्तीनियों की मौत, इसराइल के मुताबिक हमास आतंकियों के बम फेंके जाने के बाद जवाबी कार्रवाई में हुई मौत। इसराइली सेना ने हमास के 17 आतंकियों सहित 37 लोगों को किया कैद, कई जगहों पर सड़कों के नीचे दबे होने के लिए दबे बम भी बरामद किए गए। इसराइल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके पर किया एयर स्ट्राइक, कम से कम 17 लोगों की मौत। इसराइली एयरफोर्स ने रिहायशी इमारत को टारगेट किया, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। इसराइली एयर स्ट्राइक में बच्चों और महिलाओं सहित कई लोग घायल, राहत कर्मी घायलों को पहुंचा रहे हैं अस्पताल। गाजा में इसराइल IDF का एक्शन, हमास की सुरंगों को किया गया नष्ट। इसराइल हमास जंग को हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला ने बताया धर्म युद्ध, कहा अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ जल्द मिलेगा जवाब। हसन नसरुल्ला ने इसराइल को दी खुली चुनौती, कहा मकड़ी के जालों से भी कमजोर है इसराइल, अभी तो बस शुरुआत है। हसन नसरुल्ला का दावा, इस बार जंग का नतीजा निकलेगा, हमास की होगी जीत, कहा हमास की जीत का मतलब है जॉर्डन जीता, मिस्र जीता, लेबनान जीता और मुसलमान जीते। हसन नसरुल्ला ने अमेरिका को दी धमकी, कहा इसराइल को सपोर्ट करने की सजा अमेरिका को मिलेगी, कुछ ही घंटों में पता चलेगा कि हमारे लड़ाके क्या करते हैं। जंग के बीच तीसरी बार पीएम नेतन्याहू से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, टेलवीव में वॉर कैबिनेट के मेंबर्स के साथ मीटिंग की। गाजा की मदद के लिए आगे आया रूस, 2 विमानों से 28 टन मानवीय सहायता भेजी। गाजा में जेनोसाइड नहीं, होलोकास्ट हो रहा, अब तक मारे गए 10,000 लोग, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कर्नाटक के विजयपुरा में फिलिस्तीन के समर्थन, SGPI का प्रदर्शन, इसराइल के हमलों को बताया गलत। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले महादेव ऐप मामले में ईडी का बड़ा दावा, सीएम भूपेश बघेल को ऐप के प्रमोटर्स ने 508 करोड़ रुपए दिए। ईडी ने कहा गिरफ्तार असीम दास ने अपने बयान में सीएम बघेल का नाम लिया, कहा सीएम को कोई किस्तों में दिया गया पैसा। महादेव ऐप की जांच कर रही है ईडी, असीम दास की गाड़ी और उसके घर पर ईडी को मिले हैं 5 करोड़ रुपए। महादेव ऐप के अधिकारी शुभम सोनी की ईमेल और फोन रिकॉर्डिंग से भी खुलासा, शुभम सोनी ने असीम दास को पैसे भूपेश बघेल को देने को कहा था। ईडी को महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों पर भी पता चला 15,59,00,000 रुपए फ्रीज किए गए। महादेव ऐप केस में 508 करोड़ रुपए लेने के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल का आरोप, गवाह से दबाव डालकर नाम बुलवाया गया, ये सिर्फ मेरी इमेज खराब करने की कोशिश। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम TS सिंहदेव का ईडी पर एक्शन, कहा अभी चुनाव है इसलिए ईडी ये सब कुछ कर रही है, ये निशाना साधा। TS सिंहदेव ने उल्टा ईडी पर ही किया हमला, कहा ये वही ईडी है जिसके अधिकारियों के घर से पैसे बरामद हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का भूपेश बघेल पर हमला, कहा एक मुख्यमंत्री के लिए ये शर्मनाक बात, ईडी ने उनके खिलाफ किए दिए कई सबूत।
रमन सिंह ने कहा सीएम भूपेश बघेल को अपने पद पर ही बने रहने का हक नहीं, उन्होंने जुए और सट्टे के भी पैसे लिए। आज छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में उतरेंगे पीएम मोदी, दुर्ग में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ में ये दूसरी सभा। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश में भी करेंगे चुनाव प्रचार, रतलाम में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में उतरेंगे, बस्तर और रायगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। एक बार फिर नई घोषणा कर सकते हैं राहुल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे, आठ विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनावी सभाएं और चार जगह करेंगे रोड शो। आज गृह मंत्री अमित शाह भी मध्य प्रदेश जाएंगे, ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर में जनसभाओं को करेंगे संबोधित, रोड शो भी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश में करेंगे चुनाव प्रचार, कटंगी और शाहपुरा में सभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भिंड जिले में करेंगे बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार, पांच जगह करेंगे जनसभा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज झालरापाटन विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगी, पांचवी बार इसी विधानसभा में बनी है बीजेपी उम्मीदवार। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी दिया अमित शाह के ने कहा अगले पांच सालों में छत्तीसगढ़ को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा, सरकार बनी तो 500 रुपए में सिलेंडर, विवाहित महिलाओं को 1200 रुपए देने का वादा। जाति जनगणना पर बोले अमित शाह बीजेपी वोट की राजनीति नहीं करती, चर्चा करने के बाद लेंगे फैसला। बीजेपी के संकल्प पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। छत्तीसगढ़ से मल्लिकार्जुन खड़गे का निशाना, कहा 70 साल में हमने संविधान को बचाया, तभी कुर्सी पर बैठ गए मोदी और शाह। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के लिए प्रदीप बलमुचू और राजकुमार वेरका को ऑब्जर्वर नियुक्त किया। छत्तीसगढ़ के अगलतरा में सीएम केजरीवाल का रोड शो, कांग्रेस बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दोनों पार्टियों ने देश को लूटा। सीएम गहलोत ने मोदी सरकार को बताया फासिस्ट, बदला लेने के लिए ईडी, आईटी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा। ईडी की कार्यवाही पर बोले राजेंद्र राठौड़, कुकर्मों से उठ रहा है पर्दा, एजेंसी कर रही है अपना काम। सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को दी चुनौती, कांग्रेस के साथ गारंटियों पर बहस करने को कहा। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में किया रोड शो, फूल मालाओं से लोगों ने किया स्वागत। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में जनसभा को किया संबोधित, बोले कांग्रेस कहती है कि उनके पास मोहब्बत की दुकान है, लेकिन मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा एक तरफ आपके पास तलवार ढाल है तो दूसरी तरफ आपके पास बंटाधार है। नोएडा में बिग बॉस विनर एलविस यादव समेत 6 पर FIR, पुलिस की रेड में 5 कोबरा सांप और जहर बरामद, आरोपियों ने पूछताछ में लिया एलविस यादव का नाम। नोएडा पुलिस ने 5 आरोपियों को कोर्ट में किया पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एलविस यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया झूठा, कहा यूपी पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार। मेनका गांधी ने एलविस यादव को तुरंत गिरफ्तार होने की मांग की, कहा यह ग्रेड 1 का अपराध। एलविस यादव के पिता बोले मेरा बेटा फरार नहीं हुआ, काम में व्यस्त, जांच में करेगा सहयोग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीती रात आनंद विहार बस डिपो का लिया जायजा, आनंद विहार इलाके में एक और सबसे खराब लेवल पर पहुंचने का बाद दौरा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, प्रदूषण कम करने के लिए हम कर रहे हैं कई उपाय, बावजूद इसके आनंद विहार में एक और सबसे ज्यादा क्यों है यही समझने आया हूं। गोपाल राय ने लगाया आरोप, उत्तर प्रदेश से प्रतिबंधित BS3 और BS4 गाड़ियां आनंद विहार बस डिपो भेजी जा रही है, दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक और CNG बस। गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश सरकार से की अपील, कहा ऐसी गाड़ियों को यहां भेजना बंद करें ताकि हम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल कर सके। दिल्ली में पेट्रोल की BS3 BS4 की डीजल की गाड़ियों पर बैन और 20,000 लगेगा जुर्माना। बढ़ते प्रदूषण पर सख्त, नोएडा DM निर्माण कामों पर लिया बैन, कूड़ा जलाने का जुर्माना का प्रावधान। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी, 2 नवंबर को 1921 पराली जलाने के मामले सामने आए। बढ़ते प्रदूषण और प्याज के दामों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर लवली ने की अगुवाई। दिल्ली के एक अरावल नगर में गैस सिलेंडर फटा, हादसे में 4 लोग घायल, सभी घायलों को GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया, विस्फोट के कारणों की जांच कर रही है पुलिस। गुजरात के गोंडल में आग का तांडव गोदाम में अपनी चपेट में लिया, मौके पर धू कर उठी आग की लपटे, पूरे इलाके में मचा कोहरा, दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू, हादसे की वजहों की जांच जारी। पाकिस्तान में पुलिस वैन को निशाना बनाकर किया गया विस्फोट, 6 लोगों की गई जान, 20 से ज्यादा घायल। इटली सैरन तूफान की वजह से बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक 5 लोगों की मौत। इटली के तटीय इलाकों में 3 घंटों में 8 इंच तक हुई बारिश, नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, राहत कर्मी मोटरबोट की मदद से लोगों को बचाने में जुटे, बाढ़ की वजह से कई इलाकों में सड़कें टूटी, बिजली व्यवस्था पर पड़ा असर। इटली सरकार ने तूफानी बारिश और बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने राहत के लिए 50 लाख यूरो के बजट का ऐलान किया। क्रोएशिया के तटीय इलाके से टकराया चक्रवाती तूफान, तेज हवा के साथ समुद्र में उठ रही ऊंची लहरें।
ठंडे। स्लोवेनिया में भारी बारिश और तेज हवा का कहर, कई इलाकों में घरों में उड़ी छत। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। पूर्वी स्पेन के जंगलों में भड़की आग, 850 लोगों को करना पड़ा पलायन। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल दर्ज, 2 अरब 58 करोड़ डॉलर की हुई बढ़ोतरी। विदेशी मुद्रा भंडार 586 अरब 11 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 27 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की। आरबीआई का बड़ा एक्शन, आरबीआई ने नियमों का पालन नहीं करने पर पीएनबी और फेडरल बैंक सहित 2 वित्तीय संस्थाओं पर लगाया जुर्माना। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की नीदरलैंड पर जीत, सेमीफाइनल की रेस में अफगानिस्तान 7 मैचों में 4 जीत के साथ 5वें नंबर पर पहुंचा। अफगानिस्तान पाकिस्तान को छठे नंबर पर धकेला, पाकिस्तान के 7 मैचों में 6 अंक। नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 180 रनों का दिया लक्ष्य, अफगानिस्तान ने 32वें ओवर में 3 विकेट खोकर जीत लिया मैच। नीदरलैंड की टीम हार के साथ विश्व कप से हुई बाहर, नीदरलैंड 7 मैचों में 4 अंक के साथ 8वें नंबर पर। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मुकाबले, पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की होगी टक्कर। पाकिस्तान के लिए करो या मरो का मुकाबला, सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में जीत जरूरी। न्यूजीलैंड को भी सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए जीत जरूरी, 7 मैचों में 8 अंक के साथ 4थे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम। वर्ल्ड कप में आज के दूसरे मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की होगी टक्कर, अहमदाबाद में दोपहर 2 बजे शुरू होगा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाज बचाने उतरेगा इंग्लैंड, 6 मैचों में 1 जीत के साथ आखिरी पायदान पर पहुंचा।